फ्रूट्स तो ऐसे लेके जा रहे हैं मम्मी जैसे कि खा ही लेंगे, जहाँ भी लेके जाते वापस लेके आते हैं, खाते हैं नहीं। तो यहाँ पे आरती को बढ़िया शीप एवल ये डालने का शीप का तो हम पहाड़ी और हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बहुत मस्त हैं। सो सुबह सुबह उठ के झाड़ू वगैरह मेरा हो चुका है, बाकी सब्जी और आज हम बना रहे हैं भटके डुबके। तो भट मम्मी ने पीस दिए थे, बाकी मैंने भटके डुबके चढ़ा दिए हैं और पतले भी उठ चुके हैं। अभी भी नींद लग रही है, हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में आज लाइट लग गई। कल ना कल इन्होंने काम किया था तो लाइट लग चुकी है, और दिन तो उस्ताद जी और मुन्ना और पापा ही करते हैं, ये कम ही करते हैं, तो लाइट लग गई है। आज हालत ख़राब हो चुकी है इनकी। बाकी शादी के बाद देखो इतना काम करना पड़ता है इनको भी, बिस्तर वगैरह उठा रहे हैं। मैंने रख दी है चाय, अभी सब्जी बनी है, बाकी ये मम्मी ने बना दी है पालक की सब्जी। यहाँ पे मैंने भटके डुबके चढ़ा रखे हैं, तो अभी अच्छे तरीके से पके नहीं है, एक उबाल तो आ चुका है इनमें, और जो ये सारे पहाड़ियों के फेवरेट होते हैं। नहीं हो रहा है, लेकिन नॉर्मल सा हो रहा है। मौसम कुछ इस प्रकार का है आज, ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है बारिश का आने वाला। बादल लगे हुए पूरे, बादल भी लगे और कोहरा भी लगा है हल्का हल्का। तो यहाँ पे मैंने गुड़ वाली चाय बना दी अपने लिए, मम्मी के लिए और पतिदेव के लिए, बाकी मम्मी के लिए भी लेके आ गई मैं चाय, मम्मी पी रहे हैं। नमस्कार, कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक हो? तुम्हारी ना सब तारीफ करते हैं, पता है यूट्यूब में। खुश रहो, आपका भला हो जाए। सुबह सुबह हो गई है, हम डुबके बनाने लग गए हैं, और सबको थैंक यू तो बोलो कि सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू, मेरी तारीफ करने के लिए मेरे को बोलना तो आता नहीं है, मेरे को फोन में कैमरा में आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी बहू जबरदस्ती ले लेती है ना, पर फिर भी अच्छा से बोल लेती है मम्मी। हम लोग तो पुराने जमाने के हैं, मम्मी आज के जमाने को भी कवर कर लेती है। हाँ, आज बादल लगे हुए, बाकी कल मम्मी जाने वाले हैं शादी में। कैसा फील कर रहे हो फिर? अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत चलना होता है वहाँ, क्या करे, जाना है। तो मम्मी लोग कल जाएंगे, परसों ये लोग आएंगे, फिर हम वहाँ के ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को, शादी का ब्लॉग दिखाएंगे ये। पापा नहा धो के पानी भर के ला गए हैं पूजा करने के लिए। हाँ, सुबह सुबह पापा हीरो बन जाते हैं देखो हमारे। तो अभी हम लोग रेडी होके आ चुके हैं रोड में, और खाना वगैरह खा के भी आ गए हैं। दीदी भी आ चुकी है मेरे घर के पास, लेकिन आज स्कूटी भैया लेके गया, उसका पेपर है कॉलेज में, और एक स्कूटी पापा लेके चले गए हैं, और हम लोग हो गए हैं पैदल, और एक घंटा हो गया आप गाड़ी नहीं मिल रही है कोई भी जाने के लिए। तो गाइस, काम वाम करने के बाद अभी मैं करवा रही हूँ दीदी से अपनी थ्रेडिंग, क्योंकि मैंने शादी के बाद थ्रेडिंग नहीं करवा रखी है, तो थ्रेडिंग और मैं बनाने वाली हूँ आज इसकी थ्रेडिंग। क्योंकि कल परसों को मेरे को शादी में जाना है, तो आगे क्या बाहर कोई नहीं आना, तो परसों को मेरे को शादी में जाना है, इसलिए मैं थ्रेडिंग करवा रही हूँ। तो बाकी थ्रेडिंग भी मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, बना दी है दीदी ने। तो गाइस देखो, शादी के बाद पहली बार मेरे पतिदेव मेरी दुकान में आए हैं आज, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले खाली ऐसे ही आते थे, लेकिन शादी के बाद पहली बार आए हैं, और वो भी मैंने ज़बरदस्ती बुलाया, क्योंकि ये अपनी बाल कटवाने आए थे नीचे, तब मैंने बोला, और इनकी आज हालत ख़राब हो चुकी है लाइट लग के। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है शाम के 5 बजने वाले हैं मतलब, तो मैं आ चुकी हूँ दुकान से घर, और अभी मेरे हस्बैंड जी बेबी के यहाँ पर खड़े हुए हैं, और हमारे उस्ताद जी कर रहे हैं यहाँ पे काम, और ये हमारी शॉप है आईटी स्किल वर्क। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि परसों को हम जा रहे हैं शादी में। क्या खरीदने वाले हो? सब कुछ जो मिल रहा है आज, इन्होंने बहुत मतलब इनके पास बहुत पैसे है ना, ये बहुत कुछ खरीदने वाले हैं। तो आज सुबह उठ के देखूँ तो
कल रात को बारिश हुई है और मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने। मम्मी आ रही है रेडी होके, क्योंकि आज भी जा रहे हैं शादी में। हम लोग पापा जाएंगे, मैं तो देख लो, हेलो तो बोल दो, ऐसी हेलो क्या कह रहे हैं। हेलो गाइस, तो ये जाएंगे भी अल्मोड़ा धारनोला के पास, वहाँ से मम्मी को गाड़ी मिलेगी। कहाँ के लिए? मेरी नाग वाली राय गंगोली हाट के लिए। तो वाली गाड़ी में मम्मी को बैठा के आएंगे। बाकी आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रहा है। तो मौसम आज देखो पूरे बादल लगे हुए हैं आसमान में, और कल रात को हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ज़मीन पूरी गीली हो रखी है, देख सकते हैं। बाकी आज मतलब ठंडा तो हो रहा है, अलग वाला ठंडा हो रहा है, जैसे वो पालक गिरता है ना उसके बाद ठंड की वैसा वाला नहीं हो रहा, अलग वाला ठंडा हो रहा है। लेकिन ठीक है, अच्छा है मौसम आज फिर भी। मम्मी तो आई नहीं है, टाइगर पहले आ गया। टाइगो कहाँ जाएगा? स्कूटी में? कैसा हो रखा, देखो कितना गंदा होके आ गया ये। इधर आओ। बाकी मम्मी जी भी आ चुके हैं तैयार होके। मम्मी रेडी होके आ गई है। फ्रूट्स तो ऐसे लेके जा रहे हैं मम्मी जैसे कि खा ही लेंगे, जहाँ भी लेके जाते वापस लेके आते हैं, खाते हैं नहीं। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ आप रात में, वही पोछू देखो मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा। मम्मी के कपड़े गंदे कर रहा है। ओके बैठ चुके हैं, पापा भी आगे छोड़ने के लिए। पापा ने बनाई है मस्त वाली दाल और चावल और चटनी। तो फाइनली मैं भी रेडी हो चुकी हूँ दुकान के लिए, खाना वगैरह भी खा लिया मैंने। तो अब चलती हूँ दुकान के लिए। मम्मी को भी गाड़ी मिल गई है क्योंकि मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया था, तो वो भी आ चुके हैं घर को और मम्मी चली गई है गंगोली हाट को। तो गाइस मौसम तो हो गया आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा। साथ में आ गई आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आरती, मुझसे मिलने के लिए। हेलो तो बोलो। हेलो कॉलेज। और इससे तो मैं बात नहीं कर रही थी, लेकिन खाली ऐसे फॉर्मेलिटी करके मतलब बात कर रही थी, क्योंकि मेरी शादी में नहीं आई थी, तो इसकी शादी में भी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है। अगले साल चल रही शादी, कब करनी वाले हैं? तो अगले साल करने वाले ये शादी है। तो बाकी क्या, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पार्टी। क्या मंगा रखी है? हमने चाउमीन मंगा रखी है, बस इसको खोलते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे आरती को बढ़िया शीप एवल ये डालने का शीप का तो हम पहाड़ी और हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ये बांट रही है। बाकी दीदी इसमें लेके आई है पराठा। और आज मुझे हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा। हाँ आज मैं भी रोटी लेके नहीं आई हूँ, तो यही खा रहे हैं। राव जी ने रोटी नहीं बनाई। हाँ आज मम्मी चली गई थी ना वहाँ, क्या कहते हैं घर को, तब पापा ने बनाया था मेरा खाना आज। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 5:30 शाम के, और बारिश इतनी तेज़ हो गई है, और अब हम लोग को घर को जाने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग स्कूटी लेके आए हैं लेकिन रेनकोट नहीं है हमारे पास अभी। तो सुबह तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब कैसे जाया जाए, और तुमको तो पैदल जाना है अभी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हाँ हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मम्मी घर पे है नहीं, तो मेरे पतिदेव यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। सासू माँ के घर पे नहीं होने से मैं इनसे काम करवा रही हूँ। देखो इधर, देखो इधर, देखो कैसा लग रहा है, मस्त। बाहर की लाइट क्यों नहीं जलाई? अंधेरा होता क्या? ये देखो आटा गूंद। पापा कहाँ गए हैं? अच्छा, बाकी हमारा टाइगर यहाँ पे सोया हुआ है।